In today's lecture, we are going to discuss about outcomes of democracy as our revision period. We have discussed so many things about democracy. You have read so many things about democracy in class 9th also, in class 12th also. Democracy kya hoti hai, kyon chahiye, democracy ke features kya kya hai, democracy ke favor mein aap kya kya keh sakte hai, democracy ke against mein क्या क्या कर सकते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या फर्क होता है, फिर हम लोगों ने और भी पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी में कैसे की जाती है, डेमोक्रेसी में फेडरल सिस्टम किस तरह से फॉलो किया जाता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस तरह से अपना रोल करती है डेमोक्रेसी में, जो प्रेशर ग्रुप्स वगैरह है वो किस तरह से डेमोक्रेसी में अपनी बात मनवा पाते हैं, उसी तरह से जो हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करने की जो प्रोसीजर है वो किस तरह फॉलो की जाती है. सो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड वी कैन सी मोर देन 100 कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू फॉलो डेमोक्रेसी. दे आर हैविंग देयर कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर कंडक्टिंग इलेक्शंस रेगुलरली एंड द पीपल आर गिवन राइट टू take part in the decision making also. So all these things are going on in all over the world as it is going on in our country. Now the question arises, first of all we have seen these are the, you can say, specialties of democracy. What democracy provides to us as citizens? Democracy promotes equality among citizens, as we have seen already, power sharing, election, free and fair election, one vote one right, one value, so that is nothing but equality. There is no inequality regarding gender, class or creed. That chapter has been removed from your syllabus actually, but there is the chapter about gender also, gender inequality also. Second, enhance the dignity of the individual, as individuals are participators in decision making also and in forming the government also. In a democracy, government is formed by the people, it works for the people and it is of the people only. The representative we elect, the representative belongs to our society only. Hum hi waise kisi na kisi ko hum elect karke wahan par apna representative bhejte hain. Local jo koi hota hai leader, usko hum apna representative banakar bhejte hain. So there we are having our saying. Hume bolne ka wahan par adhikar milta hai. थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव. वो किसकी बातें बोलते हैं, वो हमारी बातें जाकर वहां पर बोलते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं, हमारी डिफिकल्टीज के बारे में वो बात करते हैं. इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग. इन डेमोक्रेसी द डिसीजन इज बींग टेकन आफ्टर ड्यू प्रोसेस. देयर इज अ प्रोसेस फॉर डिसीजन मेकिंग. इट इज नॉट लाइक मोनार्ची और किंगशिप कि जो भी मन में आया वो कर देते हैं, लोग माने चाहे न माने. ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है. इसमें एक प्रोसीजर होता है, डिस्कशन होता है, उस पर चर्चा होती है, उसके ड्रॉबैक्स, उसके स्पेशलिटीज, उसकी खासियत, किसी भी डिसीजन की क्या, उसका क्या इफेक्ट सोसाइटी पर पड़ेगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, खराब इफेक्ट पड़ेगा, वो सारा पहले डिस्कस होता है. और अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करना होता है, कोई उसमें फर्क लाना होता है, जैसे कई ऐसे बिल्स है, जीएसटी का बिल है, रिजर्वेशन का बिल है, इलेक्शन के लिए देखो अमेंडमेंट कुछ ना कुछ हर 2-5 साल में होता ही रहता है, तो उसको चर्चा के साथ, डिस्कशन के साथ ड्यू प्रोसेस में डिसीजन होता है. थोड़ा डिले होता है, लेट होता है, लेकिन फिर भी डेमोक्रेसी में डिसीजन जो है वो फेयर होता है और पीपल उसको एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्रोवाइड मेथड ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हमारी सोसाइटी में या हमारे कंट्री में स्टेट लेवल पर कह दीजिए या नेशनल लेवल पर कह दीजिए या इंटरनेशनल लेवल पर कह दीजिए, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हमारे यहाँ अगर अराइज होता है तो उसको सॉल्व करने का कोई ना कोई प्रोसीजर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. एंड वी हैव टू अकॉर्डिंग टू गो टू दैट प्रोसीजर. लॉ बोलो या जो भी बोलो, उसके जो सैंक्शंस होते हैं उसके बेस पर ही उसे डिसाइड किया जाता है. सो दिस इज व्हाट आवर डेमोक्रेसी गिव्स, अलाउज रूम टू करेक्ट द मिस्टेक्स ऑल्सो. इफ द डिसीजन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इफ देयर इज एनी मिस्टेक दैट कुड बी करेक्टेड ऑल्सो, उसको करेक्ट भी हो जाता है. कई ऐसे डिसीजन थे जिसमें रेक्टिफिकेशन किया गया, कई ऐसे डिसीजन थे जिसको करेक्ट किया गया, या कई ऐसे डिसीजन थे जिसको कैंसिल भी कर दिया. तो ये पॉसिबिलिटी जो है वो हमारी डेमोक्रेसी देती है. सो दिस इज व्हाट डेमोक्रेसी गिव्स अस. लेकिन दूसरी बात ये आती है कि क्या डेमोक्रेसी सही में प्रैक्टिकल रूप में यही देती है? ये तो ऑन पेपर हो गया,
ये मिल गया कि चलो ऐसा ऐसा डेमोक्रेसी में होता है. तो मोस्ट ऑफ द पीपल एक्चुअली एक्सेप्ट द डेमोक्रेसी, बट इन रियल टर्म, इन द रियल टर्म, इन प्रैक्टिकल टर्म, दे डोंट लाइक एक्चुअली डेमोक्रेसी टू बी कंटिन्यू. तो ये एक तरह से दुविधा वाला सिचुएशन है कि हमें चाहिए भी और हमको जो मिल रहा है वो ठीक से हमें नहीं मिल रहा है. द डेमोक्रेसी, द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, द पिक्चर ऑफ डेमोक्रेसी, द फेस ऑफ डेमोक्रेसी, द पर्सनैलिटी ऑफ डेमोक्रेसी, वॉट वी आर एक्चुअली नीडिंग, वॉट वी आर एक्चुअली एक्सपेक्टिंग इज नॉट गोइंग टू गिव अस, वो हमें नहीं मिल रहा. क्यों नहीं मिल रहा है? उसके डिफरेंट रीजन्स हैं. यही हम लोग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में देखने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जो डेमोक्रेसी से हमें मिल रही हैं और कौन कौन सी चीजें जो है वो डेमोक्रेसी से हमको नहीं मिल रही. दैट वी आर गोइंग टू सी.